सामान लग भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद से ही पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली में कल तक जारी रहा। नए संसद भवन का उद्घाटन होने के बाद अचानक धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में और संसद भवन की ओर कूच करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें सबसे पहले हिरासत में लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवानों को हिरासत में लिया और जंतर मंतर में उनके टेंट और तंबुओं को हटा दिया, जिससे पहलवानों में आक्रोश है। और वहीं विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही हैं विनेश फोगाट। हमें से ना तो हमें बताया कि वीडियो बना रहे बेटा, उन्होंने हमने बोला कि सिक्योरिटी के लिए एक वीडियो बनती है, दो वीडियो बनती है, अभी बनाई है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन चोरी से अपने पर्सनल फोन में वीडियो बना के कहीं पे सेंड करना और 7-8 वीडियो लड़कियां किस पोजीशन में बैठी है, क्या कर रही है, वो बहुत सरासर गलत है और हमने उसका विरोध भी किया अंदर की ये गलत है, इसका संविधान भी इजाजत नहीं देता आपको। और उसके बाद में फिर वो हमारी ऊपर ही चढ़ाई करने लगे कि नहीं ये ऐसे होता है, हमने सिक्योरिटी के लिए बनाया है, तो ये बहुत सरासर गलत है और हमने इसको जिस तरह से पर्सनल मोबाइल में वीडियोस बनाई गई है उसको लेकर के आप लोग कानूनी कार्रवाई कुछ करेंगे? मैं बात करूंगी, हमारे वकील से भी बात करेंगे, लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे हरकतें करना SCP लेवल के अधिकारी का बिल्कुल शोभनता है नहीं। क्या आपने और हमने यही बोला कि यही सम्मान की लड़ाई तुम लड़ रहे थे और अंदर आने के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो, आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो, पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो, मतलब आप चाहते क्या हो मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस से पहले छोड़ा था उन्होंने? अभी निकले हम जस्ट बार आपके सामने निकले। अभी टाइम आप लोगों ने नोट किया क्या टाइम हो रहा है? 7:20 हो गए हैं जी, 19 हो गए हैं, 1-2 मिनट आने में लगे हैं, अभी हमें जस्ट छोड़ा है आपके सामने। उससे पहले आप लोगों ने कहा कि समय हो गया है, हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो बोले हमें कानून संगीता बात करवाई, किसी से बात करवाने 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवाने, बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है, वो बोले थे आपने बात करी तो होगी सबकी बात, तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात किया, हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए, अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज है जो प्रदीप कुमार इनसे आप बात कीजिए, या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे, उनके पास फोन आया तो बोले कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना, हमने तो बोला नहीं हमारे लोअर ने किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है, आप भी तो ये गलत कर रहे हो, एक लड़कियों की आप अंदर रिटेन करके रख रहे हो, हम कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरीके से, आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है, जो हमारा मान सम्मान बढ़ा वो तो देख ही लिया है। अंदर अधिकारी थी कोई? महिला अधिकारी 3 बैठे हैं जी, कोई किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। IPS अधिकारी है, अधिकारी बैठी है अंदर, नाम वाम का नाम नहीं पता जी एक्चुअल में, तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की? हम लोगों ने बताया, उनको समझाने की कोशिश की, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। ठीक है, इसके आगे का प्लान क्या है? हम बैठे हैं, हम अभी करीब बाहर ही बैठेंगे क्योंकि बजरंग को छोड़ा नहीं है, बाकी लोग बैठे, हमारे 4 लोग अंदर है तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते, हमारी सारी टीम जब बाहर निकलेगी इन सब के बीच साक्षी मलिक का भी बयान सामने आया है और उन्होंने 28 मई की घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। देखो कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी, हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं, जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिगेटिंग था, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो, हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहां पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिगेटिंग स्टार्ट कर दी, हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो, तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उठा के आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने।
एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, आप सबके खिलाफ धंधा बढ़ाने मशहूरी एक्ट की बात पूछ रही है। देखो वो तो सब फोटोज वीडियोज में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कॉन्स्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया, उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी, आप एक भी वीडियो में देख लो हमने कोई बैरिकेटिंग पुलिंग पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।